हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एक नया वीडियो लाया हूँ मैं। इसमें आइसोलेशन मॉड्यूल का वीडियो है। ये मॉडल नंबर आइसोलेशन एक्स, यानी फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल। ये अलार्म में सर्किट में यानी SLC में दिया जाता है। दोस्तों, ये SLC सर्किट में इसलिए दिया जाता है ताकि कोई अगर फॉल्ट आता है, अगर उस डिवाइस से आगे पीछे उसका अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो ये ब्रेक कर देता है उसको, और पैनल को फॉल्ट होने से या पैनल पे कोई मतलब शॉर्ट सर्किट होने से या पैनल को डैमेज होने से बचाता है ये। और उसका ये काम, एक काम ये और है कि आगे वाला जो इससे पीछे वाला जो होगा वो आगे वाले पर सप्लाई रेगुलर रखेगा, यानी उस पर वो वर्किंग पे रखेगा। ये इस तरह से इसका काम होता है। तो इसको पूरे मतलब अलार्म सिस्टम में देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पैनल को डैमेज हो सकता है। इसलिए पैनल को बचने के लिए भी दिया जाता है। तो चलिए, मैं इसका अब वायरिंग करके और इसका डेमो करके, इसका ये जो LED लाइट होता है ये लाइट भी जलता है। ये लाइट मतलब ब्लिंक करता है, ये यानी हर 2-3 सेकंड पे ये ब्लिंक करते रहता है ये। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये कंटिन्यू अगर जलता रहेगा तो अब पता है, मतलब उसका ये है सिंबल है कि कहीं मतलब सर्किट में या SLC वायर में फॉल्ट हुआ है, कहीं मतलब वो थ्रू हुआ है आपस में। चूँकि मेंटेनेंस होता है तो उसके वजह से वो डिवाइसेज वगैरह मतलब डिवाइस में डिटेक्टर में आपस में थ्रू कर देता है तो ये फॉल्ट दिखाने लगता है। या कहीं पानी वगैरह आता है वायर पे तो पानी में टच होता है तो ग्राउंड फॉल्ट होता है तो वो भी दिखाता है ये। तो इसलिए इसका ये कंटिन्यू अगर ये मतलब ब्लिंक नहीं करे यानी कंटिन्यू जले तो इसका ये मतलब होता है कि ये कहीं फॉल्ट आया है। या अगर ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा SLC वर्किंग पे है, सही है, कंटिन्यू है। तो चलिए, मैं अब इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुछ वायरिंग होगा इसका। इस पे ये टर्मिनल है, T1 से T4 तक दिया हुआ है, यानी एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो बाद में हम लोग आ सकते हैं उसको, लेकिन ये यहीं तक हम लोग टर्मिनेशन कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग टर्मिनेशन करेंगे इसका। ये टर्मिनेशन ये सब दिया हुआ है। जब हम इससे टर्मिनेशन करने के बाद यानी इन का टर्मिनेशन कर देंगे और आउट टर्मिनेशन करेंगे और दूसरे डिवाइस में अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहेंगे तो ये कंटिन्यूटी इसमें नहीं बताता है, क्योंकि ये बीच में आइसोलेट करके रखता है। यही इसका काम होता है, आइसोलेट करके रखता है, यानी उसको मतलब दो भाग में बांट करके रखता है। तो इसलिए वो कंटिन्यूटी आगे नहीं जाएगा, बट उसमें सप्लाई जाता है। तो यही इसका काम होता है। मैं आपको वो डेमो करके भी दिखाऊंगा आपको कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से। दोस्तों, ये वाला जो वायर है हमारा, जो दो केबल, ये इन केबल है जिसमें गांठ बांध करके रखा हूँ। ये हमारा पैनल से इन आया है डायरेक्ट, और ये जो दो वायर है, रेड ब्लैक, ये वाला वायर डायरेक्ट चले जाएगा हमारा दूसरे डिवाइस में इससे कनेक्ट हो करके। तो चलिए, हम इसका कनेक्शन करते हैं। आप इसी तरह कनेक्शन करेंगे। कनेक्ट करते ही इसमें ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया, यानी इस तरह से ये ब्लिंक करेगा। देखिए इसका टर्मिनेशन, यहाँ पे टर्मिनेशन भी दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हम T1 में ब्लैक डाल देंगे आउट का, और T2 में रेड डाल देंगे आउट का, और T3 T4 में इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव देखता हुआ हम इसका कनेक्शन कर देंगे। देखिए, अब ये ब्लिंक कर रहा है, अब ये नॉर्मल वर्किंग पे आ गया है। अब ये बगल वाला डिटेक्टर भी इसका वर्किंग पे है, इसके बगल वाला डिटेक्टर। अब हम एक वायर अगर कोई छुटाएंगे, हटा देंगे, तो ये बगल में नहीं आएगा सप्लाई। एक कोई वायर निकाल देंगे अगर हम,
तो इस पर सप्लाई बंद हो जाएगा। देखिए सप्लाई बंद हो गया। अब इस पर रेड वाले को जोड़ रहे हैं, रेड वाला वायर डिसकनेक्ट किए थे, अब गैस वाला कनेक्ट कर रहे हैं। आ गया सप्लाई इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट डिवाइस में कंटिन्यूटी करके जो मल्टीमीटर से बता रहे थे वो करके दिखाते हैं। अब इस तरह से ये हमारा डिवाइस फॉल सीलिंग में फिक्स हुआ है। इसका टॉप कवर लगा देंगे। अब इस डिवाइस में जो डिटेक्टर लगा हुआ है इसमें हमारा आइसोलेशन मॉड्यूल लगाने के बाद इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि डिटेक्टर में कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। वो अलग बात है कि वो वोल्टेज वगैरह वो भी दिखाऊंगा मैं कितना वोल्टेज आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम आइसोलेशन मॉड्यूल लगाने के आइसोलेशन मॉड्यूल के बाद डिवाइस में। खोलते हैं इसको, यहीं पर हम कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी से जैसे आवाज़ आएगा देखिए दोस्तों, मैं आपको वोल्टेज वाला मैं बता रहा हूँ। वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव में लगा करके लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इस पर दिखा रहा हूँ जैसे ये वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए 24 वोल्ट 23 वोल्ट आ रहा है इस तरह से।